साथियों, मैं हूं आपके साथ समीर खान। कोरोना को हराना है, इस जंग को हमें जीतना है, और इस जंग को जीतने के लिए जो प्रशासनिक एडवाइजरी है उसका हमें पालन करना है। मैं एक बार फिर आपसे इसी खास मुद्दे के लिए मुखातिब हो रहा हूं। मेरा मकसद यही है जो पूरे देश का, बल्कि अब तो हम ये कहें कि पूरी दुनिया का मकसद बन गया है कि हमें कोरोना को हराना है। कोरोना को हराना है मतलब सबसे पहले आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जो हम कह रहे हैं ना, जो पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, जो उनके संपर्क में आया है, जो पॉजिटिव है, उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनको भी MRTV के अलावा चेस्ट वार्ड में रखा जा रहा है। आप उससे भी मत घबराइए। MY का ये वही यूनिट है जिस यूनिट से ठीक होकर अब तक 19 पेशेंट अपने घर जा चुके हैं, और बाकी पेशेंट भी घर जाने जैसी स्थिति में है। जो MY से ठीक होकर अरविंदो गए थे वो भी ठीक होके जा चुके हैं। तो आप अस्पताल जाने से ना घबराइए, अपनी बीमारी ना छुपाइए, मेहरबानी करके कोरोना को हराइए। मेरी आपसे यही अपील है, और जो साथी मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे एक अपील और करना चाहूँगा कि जितने भी पेशेंट हैं, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हों या जो कोरोना के लक्षण वाले पेशेंट हों, जिन्हें सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, बुखार हो रही है, उनको टेंशन हो रहा है, अगर वो क्वारंटाइन है, किसी जगह उन्हें रखा गया है, उनके नंबर लीजिए। उनके नंबर लेके आप उन्हें दिलासा दीजिए, एक फ़ोन लगाइए, फ़ोन लगा के उन्हें कहिए कि मत डरिए, अपना इलाज करिए। चूँकि ये बीमारी ऐसी है, डॉक्टर या हेल्थ स्टाफ जो भी वहाँ के जो लोग हैं वो आपके करीब नहीं आएंगे, अब तक वो दवा को पहुँचाएंगे, आप उस दवा को खा लीजिए। तो मैं एक बार फिर आपसे यही अपील करता हूँ कि हमें कोरोना को हराना है, और सब अपने अपने सामाजिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करिए। जय हिंद, जय भारत।